हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मैगेराज हियर एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द परफेक्ट ब्लैक बॉडी एंड न्यूटन्स कूलिंग लॉ। तो साथियों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आदर्श कृष्णिका क्या होती है और न्यूटन का शीतलन नियम क्या है। तो आदर्श कृष्णिका देखिएगा, आदर्श कृष्णिका वह होती है जो अपने ऊपर गिरने वाले संपूर्ण ताप का पूर्ण रूप से अवशोषण कर ले, ठीक है ना, उसे आदर्श कृष्णिका कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आदर्श कृष्णिका वस्तु वही होगी जो अपने ऊपर गिरने वाले संपूर्ण ताप का अवशोषण कर लेती है, आदर्श कृष्णिका कहलाती है। देखिएगा कि आप जानते हैं कि जो वस्तु काली होती है वो अपने ऊपर गिरने वाले संपूर्ण ताप का अच्छे से अवशोषण कर लेती है। जैसे आप जानते हैं कि खाना पकाने वाले बर्तन की जो तली होती है वो ज़्यादातर काली ही रखी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब उसमें हीट पड़ेगी, आग के द्वारा ऊष्मा मिलेगी, तो वो अपने ऊपर गिरने वाली ताप को पूर्णतया अवशोषित कर लेगी और जो उसके अंदर खाना पकाया जा रहा है वो आसानी से पक जाएगा। तो क्योंकि उसमें ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिली, ठीक है ना, ये हमारे आईब्रो जो हैं, ये बाल, ये सूर्य की किरणों से हमें रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे ऊपर गिरने वाले ताप का अवशोषण कर लेते हैं और हमें कोई भी वस्तु आसानी से दिख जाती है, ठीक है ना। तो आदर्श कृष्णिका वस्तु ऐसी वस्तु जो अपने ऊपर गिरने वाले संपूर्ण ताप का अवशोषण कर ले, आदर्श कृष्णिका कहलाती है। ओके, तो आप देखते हैं कि आदर्श कृष्णिका के बाद ये स्टीफन का नियम क्या होता है। तो स्टीफन का नियम, स्टीफन के नियम के अनुसार एकांक क्षेत्रफल में प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा कैपिटल ए उस वस्तु के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, यानी ई प्रोपोर्शनल टी के पावर 4। ओके, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा ई उस वस्तु के परम ताप टी के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, ई इक्वल टू सिग्मा टी के पावर 4, जहां सिग्मा क्या है, इसे बोलते हैं स्टीफन नियतांक, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं स्टीफन नियतांक, और इसका मान होता है 5.67 × 10⁻¹⁸ जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन पावर 4, ये इसका यूनिट होता है सिग्मा का, सिग्मा स्टीफन नियतांक। तो ये मान लीजिए सिंपली ये ऐसे लिखा होता है इक्वल टू सिग्मा ए ई टी इंटू कैपिटल टी पावर 4, क्योंकि ए का मान एकांक क्षेत्रफल होता है और ई आदर्श कृष्णिका वाली वस्तु के लिए ई का मान 1 होता है उत्सर्जन क्षमता, और टी 1 सेकंड की बात कर रहे हैं। तो ये इस तरीके का सूत्र होता है जो साधारणतया ऐसे लिख देते हैं। तो इससे अगर देखते हैं, ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि E1 अपॉन E2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 पावर 4। अगर दो वस्तुएं हैं आदर्श कृष्णिका और जिनके ताप T1 और T2 हैं, तो इनकी ऊर्जाओं का अनुपात हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, E1 अपॉन E2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 पावर 4, ठीक है ना। तो ये है, अब इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे कि न्यूटन का शीतलन नियम क्या है और वील नियम क्या होता है। तो न्यूटन का शीतलन नियम जो है वो ये है कि ऊष्मा हानि की दर वस्तु और परिवेश के बीच में जो तापांतर है उसके समानुपाती होता है, ठीक है ना। यह है न्यूटन का शीतलन नियम, ठीक है ना। माना वस्तु का ताप टी तथा परिवेश का ताप टी नॉट है, तो तापांतर हो जाएगा टी माइनस टी नॉट। माना ऊष्मा की दर यह है dQ अपॉन dT,
तो ऊष्मा हानि की दर क्या होगी? हानि हो रही है, इसका मतलब निगेटिव चेंज, dQ अपॉन dT, ठीक है ना। तो न्यूटन के शीतलन नियम में न्यूटन ने यह बताया कि किसी वस्तु में ऊष्मा हानि की दर उसके वस्तु और परिवेश के तापांतर के समानुपाती होता है, यानी माइनस dQ अपॉन dT प्रोपोर्शनल T माइनस T0। तो जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो माइनस dQ बाई dT इक्वल टू kT माइनस T0 ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि dQ इक्वल टू MS dT ये होता है, तो या आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं Q इक्वल टू MS dT या D अपॉन dT लिख दें Q, तो MS dT अपॉन dT हो जाएगा। आप ऐसे लिख दीजिए ज़्यादा सही रहेगा। तो ये है, दोनों तरफ हमने dT से भाग कर दिया तो ऐसा हो जाएगा dQ बाई dT। इसलिए हमने ऐसा किया क्योंकि हमें dQ बाई dT का मान बनाना है, तो ये आ जाएगा ऐसा। अब देखिएगा, अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में dQ बाई dT का मान रख दें तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा dQ अपॉन dT इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नॉट, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, माइनस चिन्ह भी हटा दीजिए और इधर कर दीजिए, तो अब ये बन जाएगा dQ अपॉन dT इक्वल टू MS dT अपॉन स्मॉल dT। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस के टी माइनस टी नॉट इक्वल टू MS dT अपॉन स्मॉल dT, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, देखिएगा dT अपॉन टी माइनस टी नॉट एक तरफ कर दीजिएगा, माइनस के अपॉन MS इंटू dT ये लिखिए, और इसके बाद हम इसको समाकलन कर देंगे और एक नया सूत्र आ जाएगा। तो देखिएगा न्यूटन का शीतलन नियम कहता है कि ऊष्मा हानि की दर वस्तु तथा परिवेश के बीच तापांतर के समानुपाती होता है, यानी माइनस dQ बाई dT इक्वल टू T माइनस T0, जहाँ T वस्तु का ताप और T0 परिवेश का ताप, और ऊष्मा की दर है dQ बाई dT और ऊष्मा हानि की दर होगी माइनस dQ बाई dT, यानी ऋण चिन्ह है यहाँ पर हानि को दर्शाता है, ऊष्मा हानि को। तो माइनस dQ बाई dT इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट एक नियतांक आ जाएगा, या माइनस से उधर कर देंगे, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब हम जानते हैं कि ऊष्मा dQ इक्वल टू MS dT होता है, दोनों तरफ dT से भाग दिया तो ये बन गया, यहाँ dQ बाई dT का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख दिया तो इससे आ गया ये। अब हमने कैपिटल T वाले टर्म्स एक तरफ और बाकी सारे टर्म्स एक तरफ कर दिए, तो ये आ जाएगा dT अपॉन टी माइनस टी नॉट इक्वल टू माइनस के अपॉन MS dT, हम इसको मान लेते हैं के डैश dT इक्वल टू dT अपॉन टी माइनस टी नॉट जी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा समाकलन करने पर log बेस ई टी माइनस टी नॉट इक्वल टू माइनस के डैश टी प्लस सी, ये एक समीकरण प्राप्त हो जाए। तो इस तरीके से हम इसका समीकरण सॉल्व करके एक नया समीकरण भी हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखना, इसको हम ऐसा भी लिख पाएंगे कि अगर हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो भी लिख सकते हैं, ये ऐसा हो जाएगा टी माइनस टी नॉट इक्वल टू, ये यहाँ पर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब दूसरी तरफ ले जाते हैं तो सी डैश ई टू रेस पावर माइनस के डैश टी, ऐसे लिख सकते हैं सी डैश ई टू रेस पावर माइनस के डैश टी, ऐसे लिखते हैं, या टी इक्वल टू टी नॉट प्लस सी डैश ई टू रेस पावर माइनस के डैश टी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये ऐसा किया जाता है कि लॉग बेस ई एक्स इस तरह का होगा,
अगर आप सॉल्व करना चाहें इक्वल टू वाई, तो ये टर्म इधर लाएंगे इधर लाएंगे तो लॉग खत्म हो जाता है, इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। तो हम इसको आप यहीं तक लिख सकते हैं। अगर इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो t इक्वल टू t नॉट c डैश e टू रेस पावर माइनस k डैश t के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि वीन का नियम क्या होता है। वीन का नियम, ये होता है अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता पर जो तरंग दैर्ध्य होता है, अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता पर प्राप्त तरंग दैर्ध्य लैम्डा एम उसके परम ताप टी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान रखिएगा कि अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता पर, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता पर जो प्राप्त तरंग दैर्ध्य है लैम्डा एम, वह उस कृष्णिका वस्तु के परम ताप टी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लैम्डा एम इक्वल टू वी अपॉन टी, वी एक कांस्टेंट है और इसे वीन कांस्टेंट भी बोलते हैं, वीन नियतांक, ठीक है। इसका मान होता है 2.9 × 10⁻³ मीटर केल्विन। तो ये आ जाएगा लैम्डा एम इनटू टी इक्वल टू वी। तो ये वीन का नियम भी हो गया। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता पर प्राप्त तरंग दैर्ध्य लैम्डा एम का मान कृष्णिका के परम ताप टी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लैम्डा एम प्रोपोर्शनल 1/T या प्रोपोर्शनल चिन्ह जब हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा और इस नियतांक को वीन नियतांक बोलते हैं। इसका मान 2.9 × 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन होता है। आप इसी से निकाल सकते हैं इसका मान केल्विन और इसका मीटर, तो मीटर इंटू केल्विन हो जाएगा इसका यूनिट और ये वीन का नियम कहलाता है।